आइए एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। एक डाइस को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। एक प्राइम नंबर 2 और 6 के बीच स्थित कोई नंबर और एक ऑड नंबर। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हम जानते हैं कि डाइस में 1, 2, 6 नंबर होते हैं। द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन ए डाइस इज थ्रोन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम जानते हैं कि डाइस में 1, 2, 6 नंबर होते हैं, तो जब हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो पॉसिबल जो रिजल्ट्स आएंगे वो होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इन 6 नंबर्स में से कोई भी नंबर आ सकता है। पॉसिबल रिजल्ट्स हमारे पास जो होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही होंगे। हेंस नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी पॉसिबल रिजल्ट्स की संख्या जो है वो टोटल 6 है, क्योंकि डाइस में 6 ही नंबर्स होते हैं और जब डाइस को हम थ्रो करेंगे तो उन्हीं 6 में से कोई एक नंबर आएगा, तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स जो होंगे 6 होंगे। अब हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि एक प्राइम नंबर आएगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाइस को थ्रो करने के बाद हमें एक प्राइम नंबर मिल रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्राइम नंबर्स ऑन द डाइस आर 2, 3 एंड 5। डाइस में जो प्राइम नंबर्स हैं वो है 2, 3, 5। हेंस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3। यानी कि डाइस को जब थ्रो करेंगे तो 2, 3, 5 इनमें से कोई अगर कोई भी नंबर आता है तो हम उसे प्राइम नंबर प्राप्त करने का इवेंट कहेंगे। यानी कि टोटल हमारे पास 3 ऐसे नंबर्स हैं जिनमें से कोई भी ऐसा नंबर प्राप्त होगा तो उसे हम प्राइम नंबर प्राप्त करने का इवेंट कहेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स 3 है, पॉसिबल आउटकम्स 6 है, टोटल 6 नंबर डाइस पे है, इज इक्वल टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर प्राप्त करने का प्रोबेबिलिटी है 1/2। अब हम सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। द नंबर बिटवीन 2 एंड 6 आर नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 आर 2 और 6 के बीच आने वाले नंबर हैं 3, 4, 5। हेंस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3। हमारे पास 3 ऐसे नंबर्स हैं यानी 3, 4, 5 जो इनमें से अगर कोई भी नंबर डाइस में आता है तो हम उसे 2 और 6 के बीच के नंबर आने का इवेंट कहेंगे। यानी टोटल ऐसे 3 नंबर है हमारे पास 3, 4, 5 जिनके आने पे 2 और 6 के बीच का इवेंट होगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 इज इक्वल टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 1/2 है। अब हम क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में कहा गया है कि एक ऑड नंबर प्राप्त करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ऑड नंबर्स ऑन ए डाइस इज इक्वल टू 1, 3, 5। डाइस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है और इनमें से जो ऑड नंबर है वो है 1, 3, 5। तो हमारे पास 3 ऐसे नंबर्स हैं 1, 3, 5 जिनके डाइस में आने के बाद हम कह सकते हैं कि यह इवेंट ऑड नंबर प्राप्त करने का इवेंट है। हेंस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3। यानी 3 ऐसे रिजल्ट्स हैं 1, 3, 5 जिनके डाइस में आने के बाद हम कह सकते हैं कि यह इवेंट ऑड नंबर प्राप्त करने का इवेंट है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर
इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो कि 6 है इज इक्वल टू 1/2। तो ऑड नंबर प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी है एक डाइस में 1/2।